हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी। और आज हम बात करने वाले मैनेजमेंट फंडा की, जो आज के सिनेरियो में देखा जाए तो आप देखो मॉडर्न अप्रोचेस आ चुके हैं, अल्ट्रा मॉडर्न अल्ट्रा अल्ट्रा मॉडर्न अप्रोचेस हैं कि हाउ टू हैंडल द इम्प्लाइज, और एक है ट्रेडिशनल अप्रोच। बट हमने ये देखा है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बिजनेस मॉडल है ना, उसमें लोग ट्रेडिशनल अप्रोचेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और दैट्स वाई द रीजन इज, अगर आप देखेंगे ऐसे केसेस में जो हमारे इम्प्लायर्स हैं ना, दे आर इन ग्रेट स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स, तो ज़्यादातर टाइम उनका हेल्थ चेकअप्स में और समय बीतता है। तो लेट्स फाइंड आउट कि वॉट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस। सोल्यूशन ये है कि जब हम हर काम में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, हर छोटी से छोटी एक्टिविटीज में हम अपने आप को इन्वॉल्व किए रहेंगे, और हमेशा ऐसा लगेगा कि मास्टर वन एंड ओनली, वन मैन आर्मी, वन एंड आर्मी सो होगा, तो ये रिजल्ट में यही आएगा। तो लेट अस सी व्हाट इज द सॉल्यूशन, कि हम कैसे ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे बच सकते हैं, मॉडर्न अप्रोचेस को कैसे यूज कर सकते हैं। लेट अस सी। आप देखो यहाँ पे हमने कुछ देखा इसमें, ठीक है, ट्रेडिशनल मॉडल में आप देखो जो भी इम्प्लायर होगा ना, वो एवरी वर्क में अपने आप को इन्वॉल्व करेगा, हर एक चीज में खुद इन्वॉल्व होगा, हर एक चीज की स्ट्रेस खुद लेगा, एंड फुल ऑफ स्ट्रेस। तो रिजल्ट क्या होगा, ही विल बी फुल ऑफ स्ट्रेस, इंक्लूडिंग अगर उसके जो फैमिली मेंबर्स होंगे, जो भी उनके साथ इन्वॉल्व होंगे, दे आल्सो विल बी इन स्ट्रेस। और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट उनको डिजीज के रूप में, प्रॉब्लम्स के रूप में मिलेंगी, यानी जिस चीज के लिए वो वर्क कर रहे हैं, ये हम मतलब ये रेवेन्यू जनरेशन पे बिजनेसमैन है, दे आर वर्किंग ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी, तो पैसे के होने के बावजूद भी वो कहते ना रेस्ट नहीं मिल, रेस्टलेसनेस की स्थिति रहेगी, एंजॉयमेंट नहीं होगा। और इसका रिजल्ट क्या होगा, इम्प्लाइज के ऊपर भी पड़ेगा, इम्प्लाइज को देखने में मिलेगा कि जब भी कोई इम्प्लाई हैप्पी उनको दिखेगा तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच में है। और इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा है ना, दे डोंट नीड क्वालिटी पीपल, उन्हें क्वालिटी पीपल नहीं चाहिए, उन्हें क्वालिटी पीपल बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उन्हें कैसे लोग चाहिए जो यस सर, नो सर, यस सर, वो कुछ बात ही ना कर सकें, कुछ उनका प्लानिंग ही हो, माइंडसेट ही ना हो। तो दो दे लाइक दिस टाइप ऑफ पीपल, कि उन्हें क्वालिटी नहीं चाहिए, बस केवल डिग्री वाले लोग आ जाएं, हमारे यहाँ भर जाए, हमें कम पैसे देने पड़े और अपना काम चलता रहे, और खुद भी स्ट्रेस में ही लाइफ बीती जाती है, बस केवल रेवेन्यू जनरेशन होता है, बट वो उस लेवल को नहीं पहुंच पाते, अचीव नहीं कर पाते हैं कि जहां से ऑटो मोड या पायलट मोड में हम डाल करके रेवेन्यू जनरेशन में वर्क कर सकें। आप देख सकते हो नेक्स्ट अप्रोच जो है मॉडर्न, जो आपका अप्रोच है मॉडर्न मैनेजमेंट का, जो अप्रोच है मॉडर्न मॉडल है आपका, यहाँ पे गिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज का है। आप देखो मॉडल में क्या है, गिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी यहाँ पर जो एम्प्लायर होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और जो भी कंसर्निंग हेड्स होते हैं ना, वो केवल उनसे उसकी मीटिंग होती है, उनसे वो डिस्कशन करता है कि व्हाट इज द आउटपुट, या हमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या हमें और रिसोर्सेस चाहिए डेवलप करने के लिए। जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होगा, या हेड ऑफ द जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, या जो हेड ऑफ दिस कंपनी होगा, वो उसको रिप्रेजेंट करेगा, या कंसर्निंग डिपार्टमेंट के जो लोग होंगे, हेड्स होंगे, वो उसको रिप्रेजेंट करेंगे। एक मीटिंग होगी जिसमें वो अपने एजेंडाज क्लियर होंगे और अपने टॉपिक्स को रखेंगे। तो ऐसे में क्या, जो स्ट्रेस लेवल होगा ना वो कम होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर हो गई, और ऐसे में इन लोगों को क्या जरूरत पड़ेगी, दे नीड क्वालिटी पीपल। इट मींस यहां पे बात आएगी, केवल डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पर क्वालिटी पीपल, यानी जिनके अंदर होगा दम, वो यहां पे करेंगे वर्क, ठीक है। तो ऐसे में देखो बेनिफिट क्या है इसमें, जो वर्क करने वाले इंप्लाइज हैं उनका क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है, उनके अंदर जो मैनेजरियल स्किल है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है, वो डेवलप होगा, और साइमल्टेनियसली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या बेनिफिट होने वाला है, उसको बेनिफिट होने वाला है कि उसका जो माइंड होगा ना, दैट विल बी फ्री। अगर माइंड फ्री होगा एम्प्लॉयर का, तो ऐसे केस में अदर वेंचर्स पर, अदर प्रोजेक्ट्स पर उनका दिमाग लगेगा, और उनकी ग्रोथ प्रोफाइल और मैक्सिमाइज होगी, 2x 4x 10x का ग्रोथ प्रोफाइल होगा। तो ये अब अभी जो अगर हम बात करें मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स में, जो हमारे आसपास चीजें देखने को मिलती है, इन्हीं दोनों में सिमट जाती है। बाकी जो बिग हाउसेस हैं, आप देखोगे अल्ट्रा जो हमारे मॉडर्न अप्रोचेज हैं, मॉडर्न मॉडल है उसको फॉलो कर रहे हैं, कहीं पे अल्ट्रा अल्ट्रा मॉडर्न मॉडल है उसको फॉलो करते हैं कॉर्पोरेट बिग हाउसेस। इसीलिए देखो अंबानी अपने घर पे बैठे हुए हैं, अगर वो टेंशन लेना शुरू करें कि मेरे ट्रेंड्स के शोरूम में क्या चल रहा है, या मेरे जो उनके वेजिटेरियन मार्केट्स हैं, उनके और भी आउटलेट्स हैं, कहाँ क्या चल रहा है, दे विल नॉट बी एबल टू मैनेज द थिंग्स, और कितना स्ट्रेस हो जाएगा, बट दे लिविंग द हैप्पी लाइफ।
उसी टाइम में देखो सब कुछ वो कर रहे हैं। हाउ? बिकॉज जब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने की हैबिट आती है और अल्ट्रा मॉडर्न अप्रोचेस को, जो न्यू अप्रोचेस मार्केट ट्रेंड्स हैं, अगर हम वो फॉलो करेंगे तो हमारा बिजनेस मैक्सिमाइज होगा। और अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच में चलेंगे तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे फिर प्रॉब्लम जस की तस रहेगी। आप जो कहते हैं ना कि लाइफ में आपका हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, ये सारी चीज़ें, तो आप मनी तो पालोगे बट आपका हेल्थ, रिलेशनशिप, ये सब गड़बड़ हो जाएगा। तो लेट्स सी कि हमें मॉडर्न अप्रोचेस पे, मॉडर्न मॉडल पे वर्क करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और जो मैं देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है आने वाले टाइम में डिजिटल रेवोल्यूशन का टाइम चल रहा है। जो भी हम देखते हैं ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट मॉडल है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में इनका शेप चेंज होगा और सब डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है आने वाला फ्यूचर डिजिटल एजुकेशन का भी है और डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ का भी होगा। शायद इंडिया में भी वो चीज़ आएगी, ये हमारे पास बिल्डिंग नहीं होगी बट विल मेक द डिजिटल यूनिवर्सिटीज़। तो आई थिंक सभी को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वर्क करने की ज़रूरत है, मॉडर्न पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर सोशल एनिमल्स, तो हमारे जो सोसाइटल वैल्यूज़ हैं, ह्यूमैनिटी की वैल्यूज़ हैं, इनके साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यानी कि हमें केवल ग्रोथ नहीं करना है, हमें केवल प्रोग्रेस नहीं करना है, हमें सक्सेस को अचीव करना है। ग्रोथ में क्या होता है, केवल आपका मॉनिटरिंग, जो मॉनिटाइजेशन है वो बढ़ता जाएगा। और अगर हम बात करें प्रोग्रेस में, तो ग्रोथ प्लस इसमें आपका ह्यूमैनिटी आएगा। लेकिन जब सक्सेस की बात करेंगे, इसमें ग्रोथ भी होगी, ह्यूमैनिटी भी होगी, ह्यूमन टच भी होगा, और एक दूसरे की फीलिंग्स का भी ख्याल होगा, हमें हर चीज़ का ख्याल होगा। हमें वी हैव टू मेक आवर सेल्फ सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे की वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा एंड लीडरशिप अकेडमी के साथ। जय हिंद, जय भारत।